अब थोड़ा सा हम लॉस लेनर्स के पास क्यों नहीं चल रहे हैं? लॉस लेनर्स के पास देखना जरूरी है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद हमें सिर्फ दो टीम्स की फाइट्स देखने को मिले, लेकिन अब इस मैच में अगर आप नोटिस करोगे, लॉस लेनर्स के पास तीन टीम्स उतर चुके हैं। एक तो 4MF गॉडलोल्स थे ही, और अब यहां पे एक और टीम का आगमन हो चुका है, क्योंकि टीम नंबर 5 हमें देखने को मिलते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन पिकार्डो की तरफ जो टीम उतरी हुई थी, गॉड लाइक, तीन फिनिशेस अपने खाते में दर्ज किए। टीम नंबर 22 जो यहां पे आई थी, उसको कंप्लीटली इस मैच से बाहर भेजा जा चुका है। ओके, एंड गॉट लाइक फाइनली, चलिए चारों के चारों प्लेयर्स यहां पे टीम 22 के फिनिश ऑफ एंड बैक टू द लॉबी। बट का यशस्वी को डाउन करेगा, फिनिश ऑफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। व्हीकल में बैठे हुए जरूर है, किसी भी वक्त इनके ऊपर प्रहार आ सकता है टीम जीडी के प्लेयर्स की तरफ से, और एक 1v फिर ये सामने वाली टीम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, चलिए इनसेन का एलिमिनेशन कंफर्म, ट्रेस गॉड ने ट्रेस किया और TMG के फ्लैग शॉट ने एक्चुअली उनके लास्ट एंड आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट किया है। लेकिन अब जोन के बाहर से फाइट लेना क्या गॉडलाइक के लिए ये अनिवार्य है? क्या ये जरूरी है? जिस तरीके से सैंडविच यहाँ पे दिखाई दे रहे, उनके प्लेयर्स इनके ऊपर भी तो प्रहार आएंगे। सेम भी यहाँ पे एक्सपोज थे कंप्लीटली, स्मोक्स का इस्तेमाल नहीं था, कुछ भी कवर नहीं था। फाइनली नॉकडाउन देखने को मिले, और पंक वो आखिरी प्लेयर, पंक वो IGL जो कि जिन्होंने अपनी टीम को लाइक क्वालिफाई करवाया ग्रैंड फाइनल्स के लिए लैंड के, और अब एक 1v1 की फाइट्स यहाँ पे हो रही है। क्या इस फाइट को भी अच्छी तरीके से वो निभा देंगे, क्या फिनिश ऑफ कर देंगे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेनेड जाएगा, थोड़ा सा डैमेज, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है उस ग्रेनेड का राइजी के ऊपर, लेकिन अगेन वो फर्स्ट एड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये ग्रेनेड जरूर थोड़ा सा डैमेज देगा, पंक वहां पे पुश करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के बीच में एक छोटा सा रिस्क जरूर है, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा पंक को। बात करना चाहता हूँ, बाहर जाते हुए दिखाई दे चुके, और राइट साइड से अब पिका, चलिए वो आखिरी प्लेयर बचे हुए जरूर है एंड फिनिश ऑफ होंगे, लेकिन गॉड लाइक है। अब चलिए पंक का भी एलिमिनेशन, ब्रो सारे गॉडल फैंस ने गॉडल का लोगो लगा लिया है, द सपोर्ट इज इनसेन, आई नो राइट, लेट्स होप गॉडलाइक डज वेरी वेल एंड होप दैट दे विन इट ऑल। मैं कोची 25 तारीख को जा रहा हूँ, सार्थक भाई वेलकम टू द चैट। इंडिया वर्सेस मंगोलिया इनविटेशनल, ये कौन सी अफवाहें कौन फैला रहा है? कौन बोला इंडिया वर्सेस मंगोलिया होने वाला है? ये आपको कहीं ऑफिशियल्स, मतलब मैं भी ऐसा बता दूं कि भाई ये कुछ भी रैंडम हो गया है, पबजी मोबाइल वापस आ रहा है, ये वो आ रहा है, मतलब काम डाउन गाइस। जब तक ऑफिशियल्स कुछ नहीं बोलते तब तक कोई भी न्यूज़ कंफर्म नहीं है, ये हमेशा याद रखो प्लीज़।